राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी के नेतृत्व में नर्सिंग कर्मियों के कोरोना के समय में ही दी जा रही सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए उनके उत्साहवर्धन व उनके मान सम्मान के लिए उनका पदनाम केंद्र के अनुरूप करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार के नाम से ज्ञापन प्रेषित किया। एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक शशिकांत शर्मा व कार्यवाहक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह शेखावत व रमेश सैनी बलराम चतुर्वेदी ने यह ज्ञापन मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री को सौंपा। राजस्थान नर्स एसोसिएशन का प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल आज माननीय मुख्यमंत्री और माननीय चिकित्सा मंत्री और एसीएस महोदय से मिलकर राजस्थान नर्स एसोसिएशन के पदनाम की मांग को लेकर काफ़ी लंबे समय हम लगातार प्रयासरत थे, जिसमें नर्स ग्रेड प्रथम को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, नर्स ग्रेड सेकंड को नर्सिंग ऑफिसर और वह नर्स ग्रेड प्रथम व नर्सिंग ट्यूटर को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आज हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला। प्रतिनिधिमंडल को माननीय एसीएस महोदय ने आश्वासित किया। हमने बताया कि राजस्थान के अंदर हमारे से 20 ऐसे कैडर हैं जो नर्सेज से पे स्केल, वेतनमान और योग्यता के तहत वो कम हैं, उनकी उसके बाद भी उनके पास उनको अधिकारी का दर्जा दिया गया। आज आप देखते हैं पूरे राजस्थान के अंदर नर्सिंग विभाग में जो कार्यरत हमारे नर्स ग्रेड कंपाउंडर हैं, नर्सिंग साथी हैं, वो लगातार कोविड 19 तहत राज्य सरकार के दिशानिर्देश काम कर रहे हैं। परंतु हमारी पिछले काफ़ी लंबे समय से नर्सिंग ऑफिस के पदनाम की मांग केंद्र को अनुरूप देने की मांग थी। आज पुनः हमारा एक प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल मिला और उनमें हमें विभाग के आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि आने वाली बार कोरोना की जंग चिकित्सक के साथ साथ नर्सेज कंधे से कंधा मिलाकर अपना पूरा सहयोग दे रही है। ऐसे में जहां एक और नर्सेज अपने जीवन को संकट में डालते हुए इस जंग को जीतने की कोशिश कर रही है, वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर सरकार हमें ये पदनाम का तोहफा देती है तो इससे बड़ा कोई प्रोत्साहन हमारे लिए